इस समय जो बोल्ड लेखन की आपने महिलाएं जो अछूते विषय पर लिख रही हैं तो आपने उल्लेख किया आपने जी जी जी, उसको लेकर थोड़ा और बताइए। देखिए, अछूते विषयों को उठाने में कोई हर्ज नहीं है, उठाया जाना चाहिए उनको, लेकिन मुझे ये लगता है कि कविता में कविताएं भी बची रहनी चाहिए। कविता में अगर कविता ही खत्म हो जाए तो वो कविता जल्दी हजम नहीं होती। विषय प्रधान तो होना चाहिए कविता को, इसमें कोई बात नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि अछूते विषय जब जब उठाए जाएं तो उसके अंदर ये आवश्यक हो जाता है कि आप किस तरीके से, सपोज़ कोई विषय है, जैसे कि हम मानते हैं कि मासिक धर्म है, ये बड़ा अछूता विषय है और उसके ऊपर कोई चर्चा बात नहीं हुई है, और बीते दिनों में कई कविताएं इस विषय को लेकर के लिखी गई हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूरी हो जाता है कि आप अश्लील हुए बिना कविता में कविता को बचाते हुए और किस तरीके से अपनी बात को सिम्बॉलिक रूप में आप प्रस्तुत कर पाते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कविता है वो गद्य तो नहीं है। और अछूते विषय सिर्फ ये हैं ऐसा तो नहीं ही है, अभी बहुत सारे मुद्दों पर बात होनी बाकी है। अभी आदिवासी स्त्रियों पर बात होनी बाकी है, अभी छत्तीसगढ़ और बस्तर में जो कोलियारी और ईट के भट्टों पर काम करने वाली लड़कियां हैं उन पर बात होनी बाकी है। तो सारे ही अछूते विषय आने चाहिए, लेकिन वो कविता के जो गुण हैं उनके साथ आए तो वो ज़्यादा सुंदर रहेगा। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.